आ गया कमीना, मुफ्त का पैसा लूटने वाला। बेटा ऐसा नहीं कहते हैं, शांत रहे ठीक है। नमस्ते साहब। नमस्ते नमस्ते। और क्या हाल है गीता? ठीक है साहब। विनय सोलंकी नाम है मेरा, इस एरिया का हीरो हूँ मैं, समझ गई? जिसको चाहे बसा सकता हूँ और जिसको चाहे उजाड़ सकता हूँ। जानती हूँ साहब, आपके हाथ में बहुत पावर है। आप बैठिए तो सही, मैं खाना लगाती हूँ। मैं यहाँ खाना खाने नहीं आया हूँ, बल्कि तुझे ये समझाने आया हूँ कि तेरे ढाबे की नौटंकी अब ज्यादा नहीं चलेगी, समझ गई? आपकी ये ठेली बंद करा दूंगा मैं। क्यों साहब, क्यों बंद करा दोगे हमारे ढाबा? आपको और दुकानें नहीं दिखाई देती? जब देखो हमें ही धमकी देने आ जाते हो आप। आशा चुप कर बेटा, ये बहुत खड़ूस दरोगा है, हमारा ढाबा बंद करा देगा। तुझे पता है तेरा ढाबा अवैध जमीन पर बना हुआ है? 2 मिनट के अंदर तेरा सारा तामझाम उठवा दूंगा यहाँ से। दरोगा जी, सरकार आपको सैलरी देती है ना, और हम लोग सुबह से शाम तक लोगों को खाना खिलाकर अपना पेट पालते हैं, जबकि हमें खुद को रोटी नसीब नहीं होती। पर आप हमसे क्यों हिस्सा मांग रहे, ये तो सही नहीं है ना। देख गीता, यहाँ मैं तेरी बकवास सुनने नहीं आया हूँ, समझ गई? तू भी अपना काम कर और मुझे भी अपना काम करने दे, समझ गई? फटाफट मेरा हिस्सा निकाल दे। इंस्पेक्टर साहब, हम एक पैसा नहीं देने वाले, जो मर्जी कर लो आप। आशा ऐसा नहीं बोलते, चुप हो जा। गीता ये तेरी बहू बहुत तेज है, समझा ले इसे। नहीं नहीं साहब, अभी इसमें बचपना है, आप जैसा कहोगे ना वैसी करेंगे हम लोग। चल निकाल मेरे हिस्से के 5,000 रुपए और मुझे मेरा काम करने दे। ठीक है दरोगा साहब, देती। गीता बहन रुको। कोई जरूरत नहीं है ऐसे को पैसे देने की। ए, तू कौन होती है हमारे बीच में बोलने वाली? तो जानती नहीं है मेरा नाम इंस्पेक्टर सोलंकी है, सोलंकी, और ये सारा एरिया मेरे नाम से थर थर कांपता है, समझ गई? तो तू भी जान ले, चिंगारी नाम है मेरा, चिंगारी के नर, और इस इलाके में जहां भी समस्या होती है ना, चिंगारी अपने आप प्रकट हो जाती है, समझा क्या? चिंगारी दीदी आप रहने दीजिए, ये थोड़ा ना सर फिरा है, खतरनाक भी बहुत है। गीता बहन आप चिंता मत करो, मैं हूँ ना, देखो अभी सिर्फ रे कैसे इलाज करती हूँ मैं। तू इलाज करेगा मेरा? तू इलाज करेगा मेरा? सुन, अगर तूने वर्दी नहीं पहनी होती ना, अभी जमीन चाटा होता, समझा? तू चटवाएगी मुझे जमीन, किन्नर होके। देख सोलंकी, मैं तुझे क्या क्या चटवा सकती हूँ ये तू सोच भी नहीं सकता। इस वर्दी की इज्जत कर रही हूँ मैं, समझा? वरना 1 मिनट में ये वर्दी खोटी पे टंगी मिलेगी और तो हफ्ता मांगने के लायक भी नहीं बचेगा। चल। देख चिंगारी, अभी मुझे आए हुए सिर्फ 2 दिन हुए हैं, बहुत लंबा टिकने वाला हूँ मैं, तुझे भी देख लूंगा। एक काम कर, देखना है ना अभी देख लेना, चल देख लूंगा तुझे। चिंगारी दीदी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारी मदद की, नहीं तो ये ऐसे ही तंग करता रहता। अरे नहीं माजी, इसमें धन्यवाद की कोई जरूरत नहीं है, आप लोग आराम से अपनी दुकान चलाइए। दीदी हम गरीबों की किस्मत ऐसी होती है, कभी कोई आके धमका देता है, कभी कोई आके पैसा मांगता है। मैं भी देखती हूँ कौन आके आप लोगों को परेशान करता है। पहलवान खाने के पैसे दे देना। अरे नहीं नहीं दीदी। अरे नहीं, ये आप लोगों की मेहनत का पैसा है, आप लोग रखिए, और कोई परेशानी हो ना मुझे जरूर बताना, ठीक है? चल पहलवान। धन्यवाद दीदी।